जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आपको भी ये यूनिवर्स का 20 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है तो भगवान का आपके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज है जो आपकी लाइफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसके लिए आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि वो समय समय पर आपको नंबर्स दिखाकर अपने होने का एहसास कराते हैं और आपको आगे के रास्ते दिखाते हैं। आप उनके लिए एक विशेष दिव्यात्मा है। ये 20 नंबर आपको जब भी दिखाई दे तो सबसे पहले मैं हर वीडियो में आपको ये चीज़ बताता हूँ कि आपको उस समय ये विचार करने की आवश्यकता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, उसके अनुसार ही आप अपने इस 20 नंबर दिखने का मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको अचानक से ही ये नंबर बार बार दिखाई दे रहा है, आपके माइंड में कोई सवाल नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, तब ये ओवरऑल लाइफ को दिखाता है, टोटल लाइफ को, आपकी लाइफ में भविष्य में क्या घटित होगा। आइए बात करते हैं। जो 20 नंबर है वो जागृति का अंक है, जागने का अंक है। इसे निर्णायक अंक भी माना जाता है, अर्थात नई सोच, नई कल्पनाओं की शक्ति, नई थिंकिंग, नई नई भावनाएं, नई नई आइडियाज आने का प्रतीक होता है। जिन चीज़ों पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किसी कार्य को लेकर आप बैठे थे और समझ में नहीं आ रहा था, तो अब आपके माइंड में नए आइडियाज आ जाएंगे जिनके दम पर आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे। यह जो अंक है वो एक ऐसे देवदूत का प्रतीक है जो जिनके पर है, अर्थात परियों के टाइप के जो देवदूत हैं उनका, और ये एक सुराही बजा रहे हैं। ये अंक एक ऐसी स्थिति का प्रतीक है जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे पर्वत पर चढ़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं। एक ऐसी आकृति का, एक ऐसी स्थिति का प्रतीक है। इस अंक की व्याख्या करना काफ़ी अद्भुत है। नए उद्देश्य की जागृति, नई महाकांक्षाएँ मतलब नई नई इच्छाएँ, क्रियाशीलता, अच्छे कर्म, उद्देश्य के लिए कार्यरत होना आदि इसकी विशेषताएं हैं। मतलब ये अंक आपको भविष्य में क्रियाशील बनाता है, क्योंकि नए आइडियाज आएंगे तो आप उस पर डटकर काम करेंगे, तो आपके लिए एक पॉजिटिव संकेत है। जो भौतिक वस्तुएं आप पाना चाहते हैं वो इस अंक की मदद से ना मिलकर नए आइडियाज हैं उनकी मदद से मिलेंगी। डायरेक्टली अगर आप ये सोचते हैं कि ये अंक आपको कुछ नई भौतिक चीज़ें दिला देगा, सांसारिक चीज़ें दिला देगा, सो नहीं दिलाएगा। ये आपको सिर्फ नए विचार आपके माइंड में प्रस्तुत करेगा, एक हिसाब से आपका माइंड डेवलप करेगा अगर सीधी बात करें तो। अब अगर जो आपको नए नए आइडियाज आएंगे उनका आप यूज़ करेंगे तो आप एक विशेष ध्यान रखें कि आप 420 ही ना करें, और आपको थोड़ा छल कपट भी नहीं करना है, क्योंकि आपको आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलकर ही उन्नति को पाना है। जो चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा क्योंकि 2 नंबर का प्रतीक है और आपको 20 नंबर दिखाई दे रहा है, 20 नंबर में इसमें 0 और ऐड हो गया है जो आपकी एक पावर को बढ़ा रहा है 2 की, तो ये नंबर आपके भविष्य की गणना के आधार पर थोड़ा सा आध्यात्मिक होने को कहता है और अपने मन की चंचलता को रोकने को भी बताता है कि अपने मन की चंचलता को रोके और आध्यात्मिक होकर ही किसी मार्ग पर बढ़े। अगर आप लालच के साथ बढ़ेंगे तो शायद आप उन सफलताओं को हासिल ना कर पाए। मेरे द्वारा बताई हुई कुछ बातें आपको गलत लगती हैं, लेकिन क्या करूं, जो सही मैसेज है गॉड का वो मैसेज देना एक मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो मैं आपको सारी चीज़ें अच्छी नहीं बताता हूं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन भगवान का मैसेज समझकर उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।